एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं जिनसे भी आप डील कर रहे हो, वो आपके बारे में आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे, उनकी डीप फीलिंग्स, उनकी करेंट फीलिंग्स, उनकी डीप इमोशंस आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे, ठीक है? तो यस, आप लोग जो है दिल थाम के बैठिएगा। अगर आपके पार्टनर कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में है, तो ये रीडिंग जो है आपसे रेजोनेट करेगी। और जिससे भी आप डील कर रहे हो, आपको उसके बारे में सोचना है रीडिंग के दौरान, ठीक है? साथ ही साथ आपको करना है एक और काम। क्या काम है? इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर नहीं किया है तो, और फुल फोकस होकर के रीडिंग को देखिएगा। ये हर किसी के लिए रीडिंग है, ठीक है? किसी जेंडर स्पेसिफिक पर्सन के लिए रीडिंग नहीं है। साथ ही साथ जिनको भी मुझसे लगा कि पर्सनल रीडिंग लेना चाहिए, तो यस, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है पर्सनल रीडिंग के चार्जेस लगते हैं। तो यस, अगर आप चार्जेस पे करके रीडिंग लेना चाहते हैं तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये अपनी प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग। आज मेरे एस्ट्रो रूही चैनल पे आपको एक वीडियो मिलेगी जो कि लव लाइफ को लेकर के होगी। लव लाइफ को लेकर के मैंने एक रिचुअल बताया है। सो यस, रिचुअल आप लोग को मिलेगा मेरे एस्ट्रो रूही चैनल पे। एस्ट्रो रूही चैनल का लिंक आप लोग कहोगे तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप करना, मैं आपको लिंक जो है प्रोवाइड कर दूँगी उस चैनल का। उस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि उस पर उसी तरीके की वीडियोज़ आएंगी एस्ट्रो से रिलेटेड, ठीक है? चलिए, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। वुमेन होल्डिंग अ क्वाइन फर्स्ट कार्ड है। एंजल ऑफ लव, ओके। हीलर ऑफ द एजेस, ओके। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल का कार्ड है। ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी है यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे रेस्ट एंड रेजुविनेशन का कार्ड। ओके, सो यहाँ की एनर्जी क्या बता रही है मुझे? यहाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके कार्ड में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके रिश्ते में, ठीक है ना, आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कहूँगी कि आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा ही आपके पार्टनर अपने आप को डिस्टर्ब पाते हैं, और इसकी वजह से ये पर्सन अपने आप को काफ़ी शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एकदम मन को शांत रखने की कोशिश। मन की शांति काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, मन में शांति होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पार्टनर को लगता है कि यार शांत रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अगर शांत नहीं रहा तो भी दिक्कत और शांत रहा तो भी दिक्कत, तो शांत रहना तो बनता है ना। तो शांत आपके पार्टनर रहना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी फ़िलहाल ये पर्सन मेडिटेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि अपने आप को, अपनी एनर्जी को हील करने के लिए पर्सन लगातार प्रयास करते हुए दिख रहे हैं। लगातार प्रयास करने का अर्थ ये है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये पर्सन शायद अपने फीलिंग्स या अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में थोड़ा ढिलाई कर देते हैं, यानी कि कहें तो थोड़ा सा ये पर्सन दबा लेते हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को, ठीक है? सो ये वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा फील हो रही है। मुझे ऐसा फील होता है कि यस, आपके पार्टनर और आप दोनों एक दूसरे के साथ काम करते होंगे। मुझे ऐसी भी वाइब आ रही है कि आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ऐसा कनेक्शन रहा है, ऐसा कनेक्शन है कि आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी कम्फर्ट फील करवा पाओ, काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को हील कर पाओ। ऐसा लगता है कि आपने कहीं ना कहीं इतना इनको दिया है कि आपके पार्टनर आपका एहसान मानते हैं। हो सकता है कि फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट होगे, आपके पार्टनर ना हो, लेकिन आपने इनकी हेल्प करी है, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है,
ठीक है, चाहे इनके बिजनेस में हो, जॉब में हो, या फाइनेंस में हो, करियर में हो, इनकी हेल्प करी है। ठीक है, मुझे ऐसा फील होता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो रिश्ता है ना, वो रिश्ते को कंटिन्यू करना और इस रिश्ते को जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन की एनर्जी क्यों है डिवाइन, मुझे गाइड करें। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन की एनर्जी क्यों है डिवाइन, मुझे गाइड करें। ओके ओके, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन की एनर्जी क्यों है डिवाइन। टेन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके, यहाँ है मेरे पास सेवन ऑफ वॉन्ड। ओके, टू ऑफ वॉन्ड। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इनकी मुश्किल घड़ियाँ जो चल रही हैं, ठीक है, इसमें इनका साथी कोई नहीं है। ये पर्सन पूरी तरीके से अकेले हो गए हैं, पूरी तरीके से टोटली अकेले हैं, टोटली अकेले। और उस अकेलेपन में आपने इनका साथ दिया है, आपने इनका साथ देना ज़्यादा जो है प्रेफर किया है, या ऐसे लगता है कि जैसे कि आपका साथ होना बहुत ज़रूरी है आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, मुझे ऐसा फील होता है कि यस, आपके पार्टनर को आपका जो प्यार है, आपका जो सपोर्ट है, वो चाहिए ही चाहिए। साथ ही साथ मुझे ऐसी भी वाइब आ रही है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि भाई कितना भी एफर्ट डालो, कितना भी मेहनत कर लो, एक होता है ना कि हाँ मुझे करना है, मुझे ये करना है, या मुझे वो करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें आपके पार्टनर के अंदर दिख रही हैं कि ये पर्सन चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लैरिटी लाने के लिए, यहाँ पे आपके पार्टनर आपका साथ देने के लिए खड़े हैं, या आपका वेट करते हुए पर्सन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि इनके पास अदर भी रिश्ते हैं या अदर भी लोग हैं, ठीक है, जो इनका साथ पाना चाहते हैं, लेकिन ये उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये ध्यान दे रहे हैं तो आपके तरफ दे रहे हैं, बाकी इनका ध्यान किसी और तरफ नहीं है। सॉरी, थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है आज। ओके, सो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। एक न्यू बिगनिंग करके एक बहुत ही प्यारा सा, खूबसूरत सा जो एहसास है, वह एहसास आपके पार्टनर करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, एंजल ऑफ लव की एनर्जी क्यों है। सबसे पहले तो आपके पार्टनर को आपके बाल बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है इनको आपके बाल, और आप स्पेशली पिंक कलर पहनते हो, बेबी पिंक, तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हो, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है। ठीक है, आप एक एंजल के रूप में इनकी ज़िंदगी में आए, क्योंकि ये पर्सन जिस तरीके से स्ट्रगल कर रहे थे, जितना वेट कर रहे थे, जितना इनकी लाइफ में बहुत कुछ डिले हो रहा था, बहुत सारी कुछ चीज़ें डिले हो रही थी, वहाँ पे इस पर्सन को सक्सेस मिली है, वहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि भाई उसके साथ मेरा और एक होता है ना कि हाँ कनेक्शन को डील करना है ना, तो यहाँ पे ऐसा मुझे फील होता है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड तौर पे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ आपके जो पार्टनर हैं आपको लेकर के बहुत बहुत ज़्यादा दिल से चाहते हैं, दिल से ये पर्सन मानते हैं, दिल से जो है आपको अपने मन की बात, अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड तौर पे मुझे नज़र आ रही हैं। ठीक है, मुझे ऐसा फील होता है कि यस, आपके पार्टनर जो हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के एनर्जी में है, यानी कि देखिए आपके जो पार्टनर है ना, आपको स्टार मानते हैं, अपने जीवन का जो लकी चार्म है वो भी मानते हैं। ये पर्सन और आपकी एज गैप हो सकती है, बट फिर भी आपके पार्टनर आपको एक स्टार से कम नहीं समझते हैं। हो सकता है कि आप इंस्टाग्राम पे काफ़ी लाइव रहते होंगे, या इंस्टाग्राम पे काफ़ी फॉलोवर्स हो सकते हैं आपके, है ना। ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ तो ऐसा है जो कि आपके पार्टनर को लगता है कि यार इतना आसान नहीं है कि ये किसी, होता है ना कि किसी के साथ जाना, डील करना, है ना, इतना आसान नहीं है। बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हर इंसान डिसाइड करता है, हर इंसान को अपनी लाइफ में चाहिए होता है। सो यस, आपके पार्टनर को लगता है कि अगर ये पर्सन आपके साथ तालमेल बढ़ा लेते हैं, अपनी चीज़ों को ठीक कर लेते हैं, भले ही थोड़ा समय लगता है,
लेकिन चीज़ों को सही कर लेते हैं तो आप इनसे कभी बिछड़ के नहीं जाओगे, कभी इनसे दूर नहीं जाओगे, कभी भी नहीं जाओगे, क्योंकि आपके दूर होने का मतलब यही है कि आपसे दूर होने का मतलब यही है कि सीधा सा कि ये कहाँ जाएंगे, है ना, ये कहाँ को जाएंगे, ये वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है। हीलर ऑफ द एजेस की एनर्जी क्यों है, डिवाइन मुझे गाइड करें। ओके ओके, जस्ट अ मिनट। नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है, यहाँ पे है एट ऑफ वॉन्ड, ठीक है, यह है मेरे पास फाइव ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है, जहाँ पे मैं देखूँ तो देखिए आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं हीलिंग की सख्त ज़रूरत है, एंड ये पर्सन खुद भी एक हीलर हो सकते हैं या इनके अंदर हीलिंग क्वालिटीज़ हो सकती हैं। जैसे कि आपके पार्टनर का डेस्टिनी नंबर 3 हो सकता है, यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि यस, आपके पार्टनर के अंदर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इनके दिल से, एक होता है ना कि हाँ जो भी करना है अपने दिल से आवाज़ निकलती है कि भाई ये करना है तो करना है, ठीक है, ये ऐसा है तो वैसा है, ये ऐसे चीज़ें करनी चाहिए, वैसी चीज़ें करनी चाहिए, तो आपके पार्टनर के अंदर वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यस, आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत दुखी हैं, मन बहुत दुखी है, मन में बहुत ज़्यादा जो दुख है वो दिख रहा है मुझे, आपके पार्टनर के अंदर वो तकलीफ़ मुझे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यस, आपके पार्टनर एट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में है, यानी कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे बात करने की चाहत में है। एंड मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइन ऑफ कप्स का कार्ड क्लियर बताता है कि हाँ आपके पार्टनर आपको लेकर के नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी में है, यानी कि ये पर्सन को विश मांगनी है, और एक होता है ना कि हाँ विश कम ट्रू, है ना, वो हो जाता है। सो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर की विश है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ आए, बातें करें, है ना, मिले जुले, और जो भी दिल के गिले शिकवे हैं वो आपसी संबंध उससे ख़राब ना करें। आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है, आपके पार्टनर टोटली चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं उसका सीधा सा रास्ता यही निकलता है कि आप दोनों के बीच में बातचीत होनी चाहिए, और बातचीत ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे क्लैरिटी हो, ठीक है, बातचीत ऐसी नहीं होनी चाहिए जहाँ पे बहुत झोल झपाटा हो, यानी कि बहुत साफ मन से, बहुत साफ दिल से आपके पार्टनर को आपसे बात करनी है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। देखिए आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि हाँ आप में कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है, आपके साथ ऐसी एनर्जी है जो कि मुझे बताती है कि आपके पार्टनर को आप में एक होता है ना कि जितना डीपली ये पर्सन आपके तरफ गए हैं, है ना, उतना डीपली ये पर्सन को नहीं लगता है कि ये पर्सन किसी और की तरफ जा पाएंगे, है ना, ये पर्सन क्योंकि बार 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 अपने किस्मत को लेकर के बार बार सोचते हैं कि पता नहीं किस्मत में ऐसा नहीं मिला तो फिर क्या होगा, क्योंकि किस्मत ही तो सब लेके आती है ना। तो आपके पार्टनर का मानना है कि भाई इनको जो भी मिला है किस्मत से मिला है, जो मिला है उसको क्यों छोड़ें, है ना। तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर को, आपके पार्टनर को लगता है कि आप इनके लिए लकी हो एंड आप आए हो तो फिर आपको जाने कैसे दें, है ना। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल की एनर्जी क्यों है, डिवाइन मुझे गाइड करें। देखिए इनका बेस चक्र, मैं कहूँगी कि इनका बेस मजबूत है, बेस चक्र मजबूत है, बट फिर भी यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, यानी कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी दिखाई दे रहे हैं, मन बहुत दुखी है, मन में दुख रहना और दिल का टूटना वो मुझे दिख रहा है, दिल इनका टूटा हुआ मुझे नज़र आ रहा है, दिल में जो तकलीफ़ें हैं ना वो ख़त्म नहीं हो रही हैं आपके पार्टनर की, एंड आपके पार्टनर जो हैं बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, एक एक करके बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, जैसे कि ये पर्सन की शादी, है ना, यहाँ पे हो सकता है कि शादी ना हो रही हो, शादी होने में प्रॉब्लम हो रही हो, सो यस, ये पर्सन के अंदर कुछ ऐसी ही चीज़ें मुझे दिख रही हैं। ये पर्सन का दिख रहा है कि पर्सन जो है ना ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन बहुत दिमाग लगा रहे थे, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया, बहुत चलाकियाँ करी,
बट आज तक कुछ नहीं हो पाया है, कुछ भी नहीं हो पाया है। और आज ये पर्सन बहुत अकेले हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा अकेले हो गए हैं। ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि शादी को लेकर के ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सोचते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन को लगता है कि हाँ, एक होता है ना कि हाँ, शादी को लेकर के और अपने पेरेंट्स से बात करना है ना, फैमिली सबको राज़ी करना, ये आसान काम नहीं है। और आपके पार्टनर का ऐसा मानना है कि जो भी हो, एक ट्रेडिशनल तरीके से होना चाहिए, जो इनके रीति रिवाज हैं उसको फॉलो करके हो तो ज़्यादा बेहतर है। आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि यस, आपके पार्टनर को आप में जो भी, आपके साथ जो भी हो रहा है, आपके पार्टनर को पता है कि आप किस दौर से गुजर रहे हो, या क्या सोच रहे हो, या कैसी फीलिंग है, कैसे इमोशंस हैं आपके, वो सारी चीज़ें आपके पार्टनर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यस, आपके पार्टनर को अंदर ही अंदर वो लग रहा है, जैसे होता है ना कि हाँ, समझ नहीं आता है कि हाँ, इनको क्या करना है या क्या नहीं करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है डिवाइन, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है डिवाइन, मुझे गाइड करें। मुझे ऐसा फील हो रहा है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में ऐसा लगता है जैसे कि कहीं ना कहीं बहुत हाई लेवल पे आपके पार्टनर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के मन में ये भी डाउट है कि कोई थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पर्सन है, कोई ऐसा ज़रूर है जो कि आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कोई ऐसा ज़रूर है जो कि आपका माइंड डाइवर्ट कर रहा है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में एक सही तरीके का डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी है। टेन ऑफ सॉर्ड्स है, जहाँ पे एक पर्सन मुझे बहुत दुखी, अंदर से टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, टूट सा गया है वो इंसान, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यस, फोर ऑफ सॉरी एम्परर की एनर्जी है जो कि बता रही है कि यस, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है। एंड मुझे ऐसा भी फील होता है कि यस, आपके पार्टनर में कहीं ना कहीं वो जो लाइफ है ना, उसको लेकर के थोड़ा सा आगे की तरफ जाना और थोड़ा सा जो है उन सारी चीज़ों को करना है ना, वो मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। मतलब एक डिसीज़न लेना, क्योंकि क्लैरिटी के साथ डिसीज़न लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है ना। हर्मिट की एनर्जी है जो कि बताती है कि आपके पार्टनर को बहुत उदासीपन इसलिए भी फील होता है क्योंकि इनको कभी कभी लगता है कि भाई, मैं ही अकेला हूँ जो कि इसमें एफर्ट डालना चाह रहा हूँ, उसकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं आ रहा है या उसकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो मैं करूँ तो करूँ क्या, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके पार्टनर सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सोचते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि भाई, मैंने जो किया है वो तो किया है, जैसा भी किया, गलत किया, सही किया, वो किया है, लेकिन उसमें उसका क्या है ना, यानी कि आपका क्या। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर के काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं, और ये पर्सन डिच नहीं करने वाले हैं आपको। ऐसा लगता है कि ये पर्सन डिसीज़न लेने वाले हैं जो काफ़ी स्ट्रिक्ट होगा, काफ़ी क्लियर होगा। और आपके पार्टनर एम्परर की एनर्जी में है, तो ये पर्सन धोखा देने वाला नहीं है, ये पर्सन लॉयल भी है और लॉयल्टी के साथ ही आपके तरफ आना भी चाहते हैं, ठीक है। सो ये एनर्जी दिख रही है। अब हम बात करेंगे आपकी एनर्जी की, यानी कि आपकी फीलिंग्स या आपके इमोशंस की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे डिसीज़न क्या रहने वाला है। तो एनर्जी सर्कल से, एनर्जी ऑरिकल डेक से देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनके बाद आपकी एनर्जी क्या है। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है डिवाइन, मुझे गाइड करें। ओके, 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 वन मोर कार्ड प्लीज। आप लोग अपने आप के ऊपर फोकस कीजिए, अपने बारे में सोचिएगा। ओके, अटैचमेंट की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। ओ,
आप लोग नो कांटेक्ट जोन में आ गए हो। ऐसा लगता है कि सब कुछ सपना देखा गया, सब कुछ तहस नहस हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही उल्टा हुआ है। ठीक है, टोटली उल्टा हुआ है। जैसा सोचा वैसा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ उल्टा हो गया है। सब कुछ इधर का उधर, उधर का इधर, है ना, हर एक चीज़ उल्टा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि आपके पार्टनर का वो ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा आपको लेकर, या आपके पार्टनर कुछ टाइम के लिए ऐसा करेंगे या ये दिन दिखाएंगे। आपको पता भी नहीं था, है ना, आपको अंदाज़ा ही नहीं था कि आपका पार्टनर कभी ऐसा कर सकता है। ठीक है, आप दोनों का बना बनाया महल उजड़ गया, टूट गया, है ना, वो भी किसी तीसरे की प्लानिंग की वजह से, किसी तीसरे के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, कहीं डाउट्स की वजह से। जो डिसअपॉइंटमेंट आपको फील हो रही है वो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रही है। आप अपने चेहरे पे हंसी तो रखते हो लेकिन हंसते नहीं हो। ऐसा लगता है जैसे कि दिल में दुखी है, दिल में जो एक गम छुपा के बैठे हो, वो गम को देखने वाला भी कोई नहीं है। सिर्फ आप उसको समझ सकते हो कि आप कहाँ पे स्टक हो। ठीक है, आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप पूरी तरीके से अटैच हो चुके हो अपने पार्टनर से। आपको डीप अटैचमेंट है उनसे, उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आपका जो मन है, आपका जो दिल है ना, आपके पार्टनर के लिए ही धड़कता है। एंड आपके पार्टनर के लिए ही आप ऐसा फील करते हो कि भाई मैं जो हूँ ना वो हूँ उसके लिए ही हूँ, या मेरे जो सपने हैं वो उसके लिए ही हैं, मैं बाकी किसी के लिए नहीं हूँ, बाकी किसी के साथ नहीं जाना चाहती, बाकी किसी के साथ नहीं रहना चाहती। ऐसी भी एनर्जी मुझे फील हो रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यस, आप काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो, काफ़ी टाइम से आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि यस, इस रिश्ते में आपने काफ़ी कुछ चीज़ें सोचा था करने का लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया। सो उसमें भी जो है ना प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रही हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है डिवाइन, मुझे गाइड करें। द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है? ओके, ओके, सो यहाँ पे आया है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। दिल तो टूटा है भाई, आपका दिल टूट गया है काफ़ी टाइम से। मुझे लगता है लंबे टाइम से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है। आज या 2 महीने 3 महीने पहले का नहीं है, काफ़ी लंबे टाइम का ये जो है ना प्रॉब्लम चल रहा है आपके रिश्ते में। काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं, डाउट भी होता है कभी कभी। कभी कभी लगता है कि ये थर्ड पार्टी के साथ है, ऐसा लगता है जैसे कि किसी और के साथ है ये, है ना, जिससे ये पर्सन बातें करते हैं, वैसे पर्सन से बातें करते हैं जिसके पास मनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो काफ़ी हाई सोसाइटी की लेडी है, या जो पर्सन है वो है इनका, ठीक है, और उसी से ये पर्सन बातें करते हैं। आपने हमेशा ट्राई किया है इस पर्सन से बात करने का, खुद के तरफ से कॉल मैसेज करना स्टार्ट किया, खुद के तरफ से ट्राई किया कि हाँ मैं ही कॉल कर लेती हूँ या मैसेज कर लेती हूँ, बात करके देखती हूँ, है ना। बट इस पर्सन ने आपके कॉल का मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। ऐसा लगता है जैसे कि आपने ट्राई तो बहुत किया कि हम दोनों एक हो जाएँ, आपने विश भी मांगी, लेकिन आपकी जो विश है ना ये अभी तक फुलफ़िल नहीं हुई है। यानी कि आपकी बातचीत अभी भी नहीं हो रही है, डिले हो रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी आप जो है प्रार्थना कर रहे हो, डीमोटिवेट हो रहे हो कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि चीज़ें ही ऐसी हैं गड़बड़, है ना। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने जितना सोचा था उतना कुछ हुआ नहीं है अभी तक। हर एक चीज़ अपने जो है अपने लाइफ में, आपके लाइफ में प्रॉब्लमेटिक चल रही है। ठीक है, गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी तो यहाँ पे है मेरे पास नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। देखो, आपके पार्टनर बदलाव तो चाहते हैं, ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन हीलिंग चाहते हैं, साथ ही साथ आप भी चाहते हो हीलिंग, क्योंकि आपको भी ज़रूरत है। आपको भी लगता है कि भाई मैं इसके बगैर नहीं रह सकती, कुछ भी हो मैं नहीं रह सकती, क्योंकि आप यहाँ पे मैनिफेस्टेशन वगैरह सब कर रहे हो। आप नए सोशल मीडिया पे अकाउंट्स बना रहे हो, नए अकाउंट बना करके, अलग अलग नेम चेंज करके आप उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो, देख रहे हो कि भाई कहाँ है वो, क्या कर रहा है या क्या कर रही है। आप कहीं ना कहीं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर आपको स्टॉक करे ना करे, लेकिन आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा लगता है जैसे कि आप में कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं, और आप इनकी बातों से नाराज़ भी हो, जो कि आपके चरित्र के ऊपर आपके पार्टनर ने उंगली उठाई है, या आपके चरित्र के ऊपर बहुत कुछ वैसा बोला है आपके पार्टनर ने, आपको गाली गलौज हर एक चीज़ सुना दिया इस पर्सन ने, जिससे आप
आप बहुत डिस्टर्ब हो। ऐसा लगता है कि इस पर्सन के ईगो में ये पर्सन इतना कुछ बोल जाते हैं, आपको पता भी नहीं था, आपको बिल्कुल भी पता नहीं था कि इतना ज़्यादा कुछ होगा, ठीक है। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे कि ये पर्सन अंदर ही अंदर जैसे कि आपको तबाह कर गए हैं। आपको इतना ज़्यादा इस पर्सन से कभी कभी नफरत फील होता है कि इस पर्सन का चेहरा तक नहीं देखना चाहते हो। इस पर्सन को लगता है, इस पर्सन से लगता है कि आपको मतलब नहीं जाना है, कभी कभी ऐसा लगता है, क्योंकि आपके मन में गुस्सा है, ठीक है। आपने अपने आप को अकेला पाया है, आपने अपने आप को पूरा तरीके से अकेला पाया है, क्योंकि आप खड़े हो, आपने कहीं ना कहीं बाउंड्री क्रिएट कर दी है, ठीक है। अपने आसपास जो भी है बाउंड्री क्रिएट कर दी है। क्यों किया है? क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है इन चीज़ों को ले रहा है, समझ रहा है कि अब आगे क्या होने वाला है, आपका पार्टनर आएगा तो वो कैसे आएगा, वो क्या कहेगा, आपको ये भी अंदाज़ा हो गया है। सो उसके लिए आपने एक बाउंड्री सेट कर ली है कि भाई तुम मेरी इस बाउंड्री को पार कर सकते हो तो तुम मेरी लाइफ में आ सकते हो, वरना फिर गुड बाय, है ना। सो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आप में जितनी चीज़ें दिखी थी कहीं ना कहीं आप अपोजिट करने वाले हो। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल समझ लिया था, लेकिन अब जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल होकर के अपना नेचर चेंज करोगे ना, वैसे वैसे आपके पार्टनर का दिल तो दिखेगा, है ना। यहाँ पे दिख रहे हो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने कहा ना कि अपना नेचर चेंज करोगे, आप प्रैक्टिकल होगे बहुत ज़्यादा, बहुत प्रैक्टिकल। आप इनको दिखाओगे ही नहीं कि मेरे को कोई फ़र्क पड़ता है तेरे जाने से, है ना। आप इनको बिल्कुल नहीं दिखाओगे। ऐसा लगता है कि आप बहुत स्ट्रिक्ट होकर के जो भी डिसीज़न है अपने फेवर में करने का कोशिश करोगे कि भाई तुम्हें आना है तो मेरे रूल्स रेगुलेशंस के साथ चलना पड़ेगा, वरना फिर गुड बाय, है ना। आप साफ सीधी बात करोगे, घुमा फिरा के बात नहीं करने का, है ना। आपकी ऐसी एनर्जी रहेगी कि नहीं भाई मैं जो कह रही हूँ ना वही ठीक है, ठीक है, तुम्हारा क्या है क्या नहीं है वो तुम अपने पास रखो, मुझे तुम्हारी सुननी ही नहीं है, है ना। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि देखो प्यार तो करते हो आप, प्यार है आपके दिल में, इमोशंस है आपके दिल में, लेकिन वो प्यार आप बाहर नहीं दिखाओगे कि जो है मैं तो तुम्हारे लिए जान दे दूँगी, ये दे दूँगी, वो दे दूँगी, वो करने वाले नहीं हो। क्योंकि यहाँ पे आपने सब कुछ करके देख लिया है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, है ना। तो फिर इससे पर्सन के लिए क्यों जाना, है ना। आपने ये सोच लिया है कि भाई तुम नहीं बदलोगे तो फिर मैं नहीं आने वाली तुम्हारी लाइफ में, तुम अपना रास्ता देख लो, मुझे अपना रास्ते पे जाने दो, है ना। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि अटैचमेंट तो है आपको, लेकिन कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होकर के आपको डिसीजन लेना अब बनता है, और आप वही कर रहे हो। अभी भी आप क्रॉस रोड पे खड़े हो कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे क्या डिसीजन लेना है मेरी लाइफ के लिए, क्या ये जो मैं सोच रही हूँ ये करने का वो राइट है या रॉन्ग है, मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी आपके सामने ऑफ़र दे रही है, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, शादी को लेकर के हो, करियर को लेकर के हो, घर को लेकर के हो, बहुत कुछ है आपकी लाइफ में। लेकिन अभी जिस तरीके से डिस्टर्ब चल रहे हो आप, ऐसा लगता है कि क्रॉस रोड पे खड़े हो, जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने करियर को चूज़ करूँ, फैमिली को चूज़ करूँ, या इस पर्सन के लिए जो है मैं देखूं, मतलब मैं किधर दिमाग लगाऊं। आप कहीं ना कहीं वैसी स्थिति में आ चुके हो कि आपको रास्ता समझ ही नहीं आ रहा है, दिख ही नहीं रहा है। इमोशनल होकर के डिसीजन लूं तो ये हो जाएगा, आप प्रैक्टिकल लेके डिसीजन लूं तो ये हो जाएगा, वो भी मन में चल रहा है कि मैं डिसीजन लूं तो लूं क्या, है ना, क्या लूँ मैं, कभी इधर का लूँ या उधर का लूँ, मैं क्या लूँ डिसीज़न, है ना। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि आप कहीं जाना भी चाहते हो, माइंड को फ्रेश करना चाहते हो, घूमने निकलना चाहते हो, कहीं ट्रिप पे जाना चाहते हो, न्यू ईयर की पार्टी शार्टी इंजॉय करना चाहते हो, या कहें तो जो है आउट ऑफ कंट्री जाने का भी बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि प्लान कर रहे हैं, क्योंकि माइंड को फ्रेश करना अभी ज़रूरी है, ठीक है। देखो निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, आपके मन में बहुत निगेटिविटी है, अपने पार्टनर को लेकर के भी, खुद को लेकर के भी, क्योंकि आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, ठीक है, ब्लैक मैजिक किया गया है। इसी की वजह से आप यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में आ चुके हो, आपके रिश्ते पे किसी की नज़र लगी है, या आपके रिश्ते में कहीं कुछ ऐसी दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, आपको लगता है, ठीक है। और आपके आपको डाउट है इनकी फैमिली के ऊपर कि इनकी फैमिली ने आपके ऊपर जो है कुछ टोना टोटका, कुछ ब्लैक मैजिक ऐसा किया है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपकी लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी, साथ ही साथ
आपके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। सो यस, अटैचमेंट की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड करें, अटैचमेंट की एनर्जी क्यों है। सो टेम्परेंस की एनर्जी आई है, यस टेम्परेंस होगा तो अटैचमेंट तो होगी ही ना। यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस आपने डीप प्यार किया था अपने पार्टनर से, बहुत गहरा प्यार, जिसको कहते हैं ना प्यार हमारा अमर रहेगा, वो वाला प्यार किया था आपने। एंड आपको जो है आपके पार्टनर से क्या मिला, छल कपट, या फिर आपके पार्टनर ने बीच रास्ते में आपको छोड़ दिया और यहाँ पे उन्होंने एक नई शुरुआत कर ली, ठीक है। लेकिन अब आपका मानना है कि भाई जो अटैचमेंट मैंने फील करी है, मैं इसको यहीं पे दबा देती हूँ, मैं इसको यहीं पे छोड़ देती हूँ और फिर से अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करती हूँ, एक नया चैप्टर ओपन करती हूँ जिसमें मैं सिर्फ मैं होंगी, ठीक है। सामने वाला कोई आता है तो ठीक, नहीं आता है तो ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे एक नई शुरुआत करने की बात आप सोच रहे हो, हालांकि अटैचमेंट है आपको अपने पार्टनर से, लेकिन उस अटैचमेंट को भूल जाना चाहते हो। वो कुछ नहीं है आपके लिए, कोई खास नहीं है, कोई स्पेशल नहीं है कि आप उस चीज़ को लेके बैठ जाओगे, है ना। यहाँ पे आपकी थिंकिंग ऐसी मुझे दिख रही है। चलिए, तो ये हो गए आपके कार्ड्स, अब हम बात करेंगे एक्शन की, आपके पार्टनर का एक्शन क्या रहेगा। इनको भी मैं हटा ही देती हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है ना बहुत कार्ड्स हो जाते हैं फिर, ठीक है। तो एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का एक्शन क्या रहेगा इनके लिए। सो आंखें बंद कीजिए, अपने पार्टनर से पूछिए कि आपके पार्टनर कब तक एक्शन लेंगे, कब तक डिसीजन लेंगे, ठीक है। सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, नेक्स्ट सेक्शन क्या रहेगा इनके पार्टनर का। जस्ट अ मिनट। ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आपके पार्टनर तो बड़े मायूस होकर के एक्शन या डिसीजन जो भी लेना है वो लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन जो है बहुत सारी चीज़ें सोचेंगे, फैमिली, ये वो ऐसा वैसा, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। एक्शन लेंगे ये पर्सन, लेकिन अभी नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि फैमिली की तरफ से भी कुछ ना कुछ इनको प्रॉब्लम्स आएंगी जिसका सामना ये पर्सन करेंगे। इनको कहा जाएगा कि तुम मूव ऑन करो भाई, तुम अपने करियर के ऊपर फोकस करो, तुम यहाँ पे लव लाइफ के चक्कर में क्यों आज अपना बर्बाद कर रहे हो, फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। आपके पार्टनर एक्शन लेंगे लेकिन काफ़ी कम टाइम के लिए लेंगे। ये पर्सन को अभी अपने आप के ऊपर डाउट है, अपने आप के ऊपर डाउट इसलिए है क्योंकि इनको लगता है कि पता नहीं ये पर्सन रिश्ते को निभा पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे। और वैसे भी आपसे जब जब इस पर्सन ने कमिटमेंट, या आपने इनसे जब जब कमिटमेंट मांगी है, तब तब ये पर्सन चुप हो गए हैं, कुछ नहीं बोला, चले गए आपकी ज़िंदगी से, है ना। ऐसी चीज़ें करी हैं इस पर्सन ने, तो अभी भी फ़िलहाल इनका मन वैसा ही बन रहा है, अभी ये पर्सन एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे। कैसी लगी आपको ये रीडिंग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एंड आशा करती हूँ आप सबके साथ रेजोनेट किया होगा, रेजोनेट किया है लाइक करके जाना और कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर कि कैसी लगी आपको ये रीडिंग, ठीक है। अगर आप इसमें कुछ ऐड करवाना चाहते हो तो वो भी बताना कि दीदी ये ऐड कर दो, वो ऐड कर दो, जैसे कि आपके पार्टनर का मैसेज या आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके मन में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं पढ़ूंगी एंड जो मुझे अच्छा लगेगा उसको मैं ऐड करूंगी, ठीक है। साथ ही साथ जो है, अगर आप लोग एनर्जी सर्कल लेना चाहते हैं या रेमेडीज रिचुअल लेना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फ्री में चाहिए तो आप लोग मेरे एस्ट्रो रूही चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, उस पर रेगुलर वीडियोस आते हैं और उस पर ज़्यादातर मैं एनर्जी सर्कल या फिर मैं जो है रेमेडीज़ की ही बात करती हूँ जिससे आपकी प्रॉब्लम का समाधान हो सके, ठीक है। तो आप मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। और मेरा एक म्यूज़िक चैनल भी आ रहा है जो कि आपको लिंक मैं कल दे दूँगी या रात को दे दूँगी, ठीक है। उसमें मैंने ऐसा किया है कि आपको सिर्फ वो म्यूज़िक सुनना है और उस म्यूज़िक के दौरान से आपको विजुअलाइजेशन करना है आपके पार्टनर के साथ अपने रिलेशनशिप को, ठीक है। और देखिएगा उसमें काफ़ी फ़र्क दिखेगा आपको, मैं आपको उसका लिंक दूंगी आज रात को या कल, ठीक है। सो यस, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय श्री कृष्णा।